हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम लोग मोमोज पार्टी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। रहने दो, मेरा मैं कुछ देख रही थी ना। वो कब का हट गया है? मम्मी मम्मी ने कभी परफेक्ट बाइट खाया है क्या? मोमोज का परफेक्ट बाइट खाया है? पता नहीं, मैं खा के दिखाऊं? खाने की पर थोड़ा थोड़ा खाने में मजा आता है, पूरा एक बार में खाने में मजा नहीं आता। मैं यहाँ पे रेड चटनी के साथ व्हाइट चटनी मिक्स करके खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको मैं अलग अलग नहीं खाती हूँ, मुझे दोनों को मिक्स करके खाना बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग बताना किन किन को ऐसे खाना अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत सारा चटनी दे दिया। हाँ, ऐसा क्यों दिया? चलो कुछ काम तो कर रहे। ये जो रेड चटनी है ना, इसको पराठे के साथ खाने में भी अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है। इसमें पनीर भी है। पनीर मोमोस कभी खाया है? मतलब मैंने कभी तो सुना ही। एक दिन हम घर में बनाए क्या पनीर मोमोस? मोमोस मम्मी ये हर मोमोस है ना इसका नाम? फिर ये मोमो क्या होता है? ये होता है ना, पता नहीं, ट्रेंड चल रहा था। लगाओ मुझे पढ़ाई करना है और तुम खुद ही धोखा दे दिए, तब से पढ़ाई ही नहीं कर रही हो। मम्मी आपका का फोन। शर्म आ रहा है, कैमरे पे हाथ रख रही है। पापा का वीडियो कॉल, ठीक है। आज हम पूरा आलसी हो चुके हैं, ये देखो कपड़ों की ढेर, ये देखो बिस्तर। हाँ मम्मी, अटेंड कैसे करो? ओप्पो में। ओप्पो कहाँ है? मम्मी नेट ऑन है। हाँ, इस बेड पे सिर्फ मेरा जो आइटम है वो है ये संस्कृत और साइंस और मैं। आज भूख भी नहीं लग रहा है मोमोज खाने के बाद, खाना भी नहीं बने। अरे आ गया पापा का वीडियो कॉल, ये देख कर दिया। तो मैं वो क्या कर सकती हूँ, वीडियो पॉज आ रहा है। म्यूजिक बंद करो भैया। हाय करो। हाय नहीं, उल्टा कर। लग गया? अभी तक नहीं, कनेक्शन पुअर। पापा ने वीडियो पॉज कर दी। पापा ने वीडियो पॉज नहीं किया, वहां इंटरनेट काम नहीं करता। नहीं अब लग गया, ये देखो। कौन है? कौन आने की खाई सर लो? क्यों तुम्हें देखना था? क्यों देखने क्यों? फिर बोलते ना, बताया नहीं। मैं मेरा ये चेक देखो, हम भी इसके अंदर दिख रहे हैं। वीडियो बन रहा है, देखो देखो। okay.
will be similar to this angle. If you cross one link angle RC, then this angle A is equal to angle D. एक मोबाइल के अंदर दूसरा मोबाइल के अंदर तीसरा मोबाइल, कितना सालों का कपड़ा पड़ा है यहाँ पे देखो, पूरा बेड में कपड़ों से भरा पड़ा है और इसी के ऊपर हम सो के इसमें और कुचला कुचला हो गया, जैसे कि दिख रहा है कि हमने ये धुला हुआ कपड़ा नहीं दिख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पूरा घर तहस नहस हो गया है, मतलब गंदे पड़े हैं। आज सुबह स्कूल जाना था तो स्कूल से एक फॉर्म पे साइन करना था, तो मैं आज स्कूल गई थी तो जो मेरा पैर का नस है, वो जो नी है उसके पीछे के साइड एक नस पता नहीं कैसे खींच गया और इतना पेन कर रहा है मेरा वो पैर को, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ। बैठती हूँ तो बहुत पेन होता है, उठती हूँ तो पेन होता है, तो इसी वजह से आज बिल्कुल मैं मतलब काम करने का मूड नहीं है, पेन हो रहा है और वही मन है, इसलिए आज पूरा घर गंदा पड़ा है जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो अभी मुश्किल से जाके सब्जियां वगैरह लेके आई, मैं सब्जी अभी फ्रीज में सेट कर रही थी, मैं फ्रीज भी गंदा पड़ा है तो उसको थोड़ा थोड़ा साफ करके फिर मैं सब्जी उसमें सेट कर रही थी। आज ये सब्जियां आया हैं और मोमोज थोड़ा मंगा के खा लिए, तो बच्चे दोनों भी बोल रहे हैं आज खाना नहीं खाना, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है और वैसे भी मुझे बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है, और देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, ब्रेड या फिर ऑमलेट वगैरह बना के या थोड़ा बहुत दूध वगैरह हल्का फुल्का, लेकिन खाना आज नहीं बनेगा हमारा, बच्चों ने भी मना कर दिया, हमें भी भूख नहीं है क्योंकि एक एक प्लेट खा लिया हम लोगों ने मोमोज, तो और जगह ही नहीं है खाना खाने के लिए। देखेंगे अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, देखते हैं 11-12 बजे तक तो पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं भूख लगेगा तो कुछ दे दूँगी, फ्रूट्स नहीं तो फ्रूट्स खा लेंगे। आज फ्रूट्स लेके आई हूँ, केला और अमरूद और ग्रेप्स, तो पता नहीं आज शरीर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है, पीठ में भी पेन हो रहा है, पैर का नस चढ़ गया है, पता नहीं कैसे इसे अचानक से, आप निकल के कहीं जाओ ना घर में बैठे रहो तो बॉडी पेन तो होता है, मुझे तो होता है, पता नहीं आप लोगों को होता है या नहीं होता है, अगर रेगुलर आप जाते रहो कहीं तो वो आदत सी बन जाती है और पता नहीं इतना प्रॉब्लम तो नहीं दिखाता है, लेकिन अभी 1 वीक हो गया बच्चे स्कूल बस में जा रहे हैं, स्कूल बस में तो मुझे जाना नहीं पड़ रहा है, अब अचानक आज जाना पड़ा, एक फॉर्म साइन करना था और इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिख गई। पहले अगर मैं अचानक कहीं चली जाती थी, जैसे कहीं घूमने जाना है कहीं है, तो मेरा सर दर्द स्टार्ट हो जाता था और मैं कभी बाहर एंजॉय नहीं कर पाती थी, मेरा सर दर्द ऐसे लगता है उल्टी कर दूं, अभी उल्टी कर दूं, इस टाइप का प्रॉब्लम होती थी, और मैं बस में बैठने से बहुत डरती थी पहले, मैं मुझे बस में बैठने से अजीब सा स्मेल होता, अजीब सा लगता था और हेडेक शुरू हो जाता था, उल्टियाँ आती है बस में, पर अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत हो रही है और आजकल सब CNG बस है तो थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन पहले मैं बस देख के उसका स्मेल से ही मुझे पता नहीं कैसे हो जाता था। तो बस यही है आज का छोटा सा वीडियो है, और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करके नहीं जाइएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग तक पहुंचे और आप लोग पहले ही वॉच करें, और बस खुश रहिए, सबको खुश रखिए, बाय।